प्रेरणा कथा। खाली हाथ कैसे भेजे। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह जी को उनके न्याय और परोपकार के लिए पूरे विश्व में याद किया जाता है। वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और प्रजा के दुखों को बहुत ही अच्छे से समझते थे। एक दिन वो वन में से होकर कहीं जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर सवार थे और उनके सिपाही भी उनके साथ थे। एक स्थान पर अचानक एक ईंट आकर उनके माथे पर लगी। उनके माथे पर घाव हो गया। उनके सिपाहियों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि एक बुढ़िया एक पेड़ पर पत्थर मार रही थी। सिपाहियों ने उस बुढ़िया को गिरफ्तार कर लिया और उसको पकड़कर महाराजा रणजीत सिंह जी के सामने ले आए। उनको देखकर वो बुढ़िया तो कांपने लगी। वो डरते डरते बोली, महाराज मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है और वो बहुत ही भूखा है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं इस पेड़ से कुछ फल तोड़ रही थी। दुर्भाग्यवश मेरा एक पत्थर आकर आपके माथे पर लग गया। महाराज मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि आप इधर से गुजर रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। रंजीत सिंह जी ने कुछ देर सोचकर अपने सिपाहियों को कहा, इस बुढ़िया को छोड़ दो और इसको 1000 रुपये भी दे दो। उस बुढ़िया को पैसे दे दिए गए और वो खुशी खुशी वहां से चली गई। वो रास्ते पर महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रशंसा करती रही। महाराज के सिपाहियों और दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महाराज से कहा, उस स्त्री ने आपको पत्थर मारा और आपने उसको 1000 रुपये पुरस्कार में दे दिए, ये तो शायद ठीक नहीं हुआ। दूसरे दरबारी ने कहा, उस स्त्री को तो दंड मिलना चाहिए था महाराज। रंजीत सिंह जी ने मुस्कुराते हुए अपने सिपाहियों और दरबारियों को संबोधित किया, ऐसी बात नहीं है, पत्थर लगने पर एक वृक्ष मीठा फल दे सकता है, तो क्या पंजाब का महाराज पत्थर लगने पर पत्थर मारने वाले को खाली हाथ कैसे भेज सकता है। सभी दरबारी और सिपाही राजा के उस परोपकार को देखकर नतमस्तक हो गए। मित्रों, वृक्ष हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात जो हम पेड़ों से सीखते हैं वो है परोपकार। हम पेड़ों को पत्थर मारते हैं और वो हमको फल देते हैं। पेड़ बहुत ही धैर्यशाली होते हैं और जीवन भर हमारे लिए फल तैयार करते रहते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद।